Good morning all of you. I am Rashmi Singh. Welcome to our Aadhaar ICS YouTube channel. मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में संस्कृत के कुछ क्वेश्चन डिस्कस की थी जो कि आपकी झारखंड SSC CGL के लिए इम्पॉर्टेंट है. जिन लोगों ने भी लैंग्वेज पेपर रखा है उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है. आप अपना ग्रामर, साहित्य पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन और जो भी संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के लिए ये चैनल देख सकते हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि समास पर, संधि पर, उपसर्ग प्रत्यय और जितना भी ग्रामर का और लिटरेचर पोर्शन का सिलेबस है जो भी कवर किया गया उसमें ये सारा क्वेश्चंस कवर हो रहा है. जो आप अगर रेगुलर देखते हैं तो आपको देखने से बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप जो भी सिली मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं उससे बच जाएंगे. क्योंकि आपको पता है कि कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें. आपका लैंग्वेज पेपर जो सेकेंड पेपर है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. तो अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है और अगर इनकरेक्ट होता है, गलत होता है, मिस्टेक होता है तो उसमें आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. तो सो ट्राई टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग गिविंग योर आंसर. आपको ऐसा करना है कि रोज़ एक सेट प्रैक्टिस कीजिए. इससे नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं मार्केट से परचेस कर लीजिए और जितने भी 100 सेट का क्वेश्चन है आप वो प्रैक्टिस करो. और हम लोग के यूट्यूब चैनल पे भी आप JSSC CGL के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं. आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जो भी सब्जेक्ट आपने रखा है, आइदर आपने हिंदी रखा हो, इंग्लिश रखा हो, उर्दू, बंगला, खड़िया, जो भी लैंग्वेज रखा हो उसके लिए आप एटलीस्ट वंस इन अ डे प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. तो अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट सेट लेकर आई हूँ जिसमें आपका ग्रामेटिकल और लैंग्वेज लिटरेचर दोनों कवर कर रहा है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वैकुंठम अध्यास्ते हरि. यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? इसमें 4 ऑप्शन है. ए अपदान अर्थ में, बी संप्रदान अर्थ में, सी संबंध अर्थ में और डी आधार अर्थ में. 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है. वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? इसमें आपको बताना है कि किस अर्थ में कर्म संज्ञा हो रही है. तो जैसे आपको पता है कि इसमें वैकुंठम, वैकुंठम में कौन सा कारक मतलब कौन सा विभक्ति आ रहा है? कंठम, आप देख रहे हैं कर्म हो रहा है, आपसे कर्म संज्ञा पूछा जा रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार अर्थ में. ये किसके अकॉर्डिंग होगा? अधिकरणे सप्तमी व आधारो अधिकरणम. जब हम लोग ये बात करते हैं क्रिया का आधार क्या होता है? अधिकरण पर होता है. क्रिया का आधार अधिकरण पर होता है. अधिकारण अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है. तो सप्तमी विभक्ति होती है और इसमें क्या है? आधार हो रहा है. इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब वैसे भी आपके जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको कारक पढ़ना है तो आप कारक के जो 6 भेद हैं, 6 भेद के सूत्र एक साथ लिख लीजिए, बगल में उसका एक एग्जांपल लिख लीजिए. अगर आप ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. क्योंकि आप वो चीज़ बार बार देखेंगे तो आपके कारक के सूत्र आपको कंठस्थ हो जाएंगे. इसी तरीके से संधि है, संधि में भी अगर आप तीनों संधि के भेद लिख लेते हैं, भेद और उसके सूत्र और एग्जांपल, वो अगर लिख लेते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर रहेगा, बार बार उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वभू इति पदे लकार पुरुष वचनस्य अस्ति. आपको एक शब्द दे दिया गया, उसमें आपसे पूछा गया है कि ये कौन से लकार का है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है. तो आपको आपके सिलेबस में कुछ शब्द रूप और धातु रूप मेंशन किए गए हैं. आपसे क्वेश्चन उसी शब्द रूप धातु से आएंगे और ये सब बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने संस्कृत क्लास 6 to 10 या 9 भी पढ़ा है तो आपको ये क्लियर होगा. तो इसमें आपको क्वेश्चन करना वभू शब्द इति पदे लकारा पुरुष और वचन अस्ति. तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है. ए लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, बी लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचनम, सी लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम, डी लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम. तो इसका आंसर हो जाएगा लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचनम. तो ये आपको तभी याद रहेगा जब आप जितने भी धातु रूप हैं उनके सारे वचन के साथ उसको लिखे. जैसे उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. अब ये तीनों का अगर आप लिख कर रखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कहाँ कहाँ क्या होता है तो आपको ध्यान रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समान का अर्थ है.
ऑप्शन है ए पठन, बी नृत्य, सी गान और डी शिक्षा। तो इसमें आपसे पूछा गया समान शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। इसमें ऑप्शन जो सी दिया हुआ गान दिया हुआ, गान नहीं होगा, इसमें सामन होगा, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन सी को करेक्ट ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह क्या है। आपको सब क्वेश्चन का दे दिया गया है कि इसमें कौन सा समास है। समास में क्या पूछा जाता है, आपसे कभी पद दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें कौन सा समास है, या समास का भेद पूछा जाता है, या इसका विग्रह करना किया जाता है। लेकिन इसमें आपको दे दिया गया है कि चंद्रशेखर जो है बहुव्रीहि समास है, इसको आपको विग्रह करना है। तो आप इसको विग्रह कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रशेखर यस्य, सेकेंड ऑप्शन चंद्रशेखरे यस्य, थर्ड में है चंद्रशिखरे यस्य और डी में है चंद्रशेखर यस्य। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर यस्य, जिसके शिखर पर चंद्र है वो क्या हो जाते हैं चंद्रशेखर। तो इनका विग्रह करके क्या बनता है, चंद्रशेखर किनको हम लोग कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। तो इस तरीके से आपको विग्रह किया हुआ यह शब्द दे दिया जाएगा, या कभी कभी आपको इसके भेद भी पूछ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन में कि समास के कितने भेद होते हैं, या तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, या अलूक समास का उदाहरण दीजिए। इस तरीके से आपसे समास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैसे भी ये सब बेसिक है, जो भी आप संस्कृत में चाहे संधि पढ़े, कारक, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ये सारा बेसिक चीज़ें एक बार आप लेकर बैठेंगे तो आपका रिविज़न कम्प्लीट हो जाएगा और मिस्टेक होने के कम चांसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स ग्रामे निवसती में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर क्या बनेगा। अब स ग्रामे निवसती इसका मतलब कि वह ग्राम में रहता है। अब इसको आपको क्या बोला जा रहा है, इसको आपको लंग लकार में कन्वर्ट करना, मतलब इसको ट्रांसलेट करना। लंग लकार किसको बोलते हैं, भूतकाल में, और आपका सेंटेंस किस में दिया हुआ, प्रेजेंट काल में। तो वह ग्राम में रहता है या निवास करता है, तो इसको आपको भूतकाल में बदलना है, पास्ट टेंस में बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सह का तो सह होगा, वह का वही रहेगा, ग्राम का ग्राम ही होगा। अब आपको सिर्फ क्या बदलना है, इसमें पहला ऑप्शन आप देखिए सह ग्रामे अनिवसत, दूसरा है सह ग्रामे अनिवसती, थर्ड ऑप्शन सह ग्रामे न्यास्वत एंड ऑप्शन डी सह ग्रामे न्यास्वत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सह ग्रामे अनिवसत, जिसमें हलंत दिया हुआ वो वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई सेंटेंस दे दिया है, उसको आपको भूतकाल में बदलना है या भविष्यत काल में बदलना है, या विधिलिंग में बदलना है, या लोट लकार में बदलना है। तो आपको अगर धातु रूप याद है तो आप उसको तुरंत कर सकते हैं, और आपके जितने भी लकार आपको पढ़ने हैं वो दिया हुआ है कि लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार, कुछ सेलेक्टेड दे दिया गया। आपको 10 लकार पढ़ने को बोला भी नहीं गया, 5 मेंशन है, 5 ही पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है चक्रपाणी, चक्रपाणी में समास है। अब जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा उसमें दिया गया था कि आपको विग्रह करना है, और इसमें आपको दे दिया गया है कि इसमें समास कौन सा है। चक्रपाणी में समास है, फर्स्ट ऑप्शन है ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय और डी तृतीय तत्पुरुष। तो इसको आप विग्रह करेंगे चक्रपाणी में समास। तो अगर आप विग्रह करते हैं तो विग्रह करके आप पढ़ें, अगर आप इसको हिंदी में विग्रह करते हैं तो चक्रपाणी, जिसके पाणी में मतलब हाथ में चक्र है, तो किसके हाथ में चक्र रहता है, भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। और ये भी आपको पता है कि जो समास कोई अलग अर्थ देते हैं, अपने दोनों पदों को छोड़कर अलग अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, वे कौन सा समास कहलाते हैं, उनको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक होता है। बहुव्रीहि समास जो अपना अलग अर्थ देते हैं दोनों पदों को छोड़कर। सी कर्मधारय में क्या होता है, एक उपमा होता है, दूसरा उपमेय होता है, तो कर्मधारय में उपमा उपमेय का भाव होता है। और ऑप्शन डी है तृतीय तत्पुरुष,
तृतीय तत्पुरुष जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक के भेद, मतलब जो कारक के चिन्ह जो होते कर्ता ने कर्म को करण से, ये चिन्ह के अकॉर्डिंग जब समास होता है तब हम लोग वहाँ पे तत्पुरुष समास लगाते हैं। लेकिन इसमें दे दिया गया है चक्रपाणी, तो चक्रपाणी एक विशेष अर्थ भगवान विष्णु को इंगित करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा समास का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बहुव्रीही समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अ या आ के बाद उ आए तो क्या होगा। यदि अ और आ के बाद उ आता है तो इसमें जो शब्द बनता है उस क्या बनेगा, ऑप्शन ए ए बी ए सी ओ और डी अ। ठीक है, तो अ और उ मिलके क्या बन रहा, ओ बन रहा है। अ या आ के बाद, दोनों के बाद भी अ के बाद उ आए या आ के बाद उ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, इसको लास्ट क्लास में मैंने कल पूरा संधि में कुछ एग्जांपल देके आपको समझाया था कि कैसे बन रहा है। अब जैसे आप ऐसे शब्द भी ले ले अ या आ के बाद उ आए तो कौन सा बनेगा, तो इस तरीके से जो शब्द बनता है उसको हम लोग संधि में कौन सा संधि बोलते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने संधि डिटेल में एक दो बार बताया भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निर्मशकम में समास है, इसमें कौन सा समास है। ये भी क्वेश्चन समास से आया है, आपको समास का भेद पूछा गया है। पहला है ए द्वितीय तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी नए समास और डी सप्तमी तत्पुरुष। तो इसमें तत्पुरुष का तीन दिया हुआ है, द्वितीय तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष है या अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, आप जितना भी देखेंगे अव्ययी शब्द जो होते हैं अव्यय शब्द है उनका प्रयोग होता है, तो निर्मशकम में समास में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए ऑप्शन एट का बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका समास से ही है, इसमें हरित्रात, हरित्रात समास है, अव्ययी भाव समास, बी तृतीय तत्पुरुष, बी पंचमी तत्पुरुष या डी द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, और बाकी जो समास दिया हुआ पंचमी तत्पुरुष, इसमें पंचमी का विभक्ति चिन्ह लगेगा, पंचमी कारक का, पदान कारक का, और डी तृतीय तत्पुरुष, इसमें तृतीय कारक का चिन्ह लगेगा, और ए है हरित्रात। तो इसको अगर हम लोग विग्रह करते हैं, हरित्रात मतलब हरि से त्रात, तो इसमें कौन सा समास लग जाएगा, विग्रह करने के बाद आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी आएगा, तृतीय तत्पुरुष हरित्रात। ठीक है, तो तत्पुरुष के भेद आपको तब याद होंगे जब आपको कारक के भेद याद है। अगर कारक के आपको पूरे जो भेद होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अधि संबंध काकीरे अधिकरण ये चीज़ आपको याद है तो आप तत्पुरुष समास में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष का जो समास का भेद है वो कारक से इंटर रिलेटेड है, उसका जो चिन्ह है वो तत्पुरुष समास में आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं, च और नीचे हलंत है, इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। ये प्रत्याहार है, जब आप संधि करते हैं तो इसमें एक सूत्र में ये आता है, जैसे रोरी संधि हुआ, लियुप संधि हुआ, इस तरीके से। तो जब आप संधि के भेद पढ़ेंगे ना, संधि के तीन भेद है जैसे स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो स्वर संधि के पाँच भेद पढ़ने होते हैं, और विसर्ग और व्यंजन में जाएंगे तो उसमें भी आपको भेद पढ़ने, तो बीच बीच में बहुत सारा सूत्र भी है, तो वो सूत्र को आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक होता है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उस सूत्र के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी संधि हुई है। और जैसे कल मैंने आपको बोला था उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान का जितना आपको है वो भी ध्यान में रखना है कि संधि जब आप पढ़ेंगे तो वो कहाँ से उच्चारित हो रहा है, उच्चारण होने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ये जानना जरूरी है, तभी इसमें सूत्र में आप करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। जैसे आपको पता ही नहीं है कि रिटु रषा नाम मूर्धा है या अकुवेश्याजा नाम कंठ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही संधि होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं, तो चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें आप देखिए पहला ऑप्शन है च ट त क प, दूसरा ऑप्शन है च ट त क
प तालव्य श मूर्धन स दन स। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ह य व और लास्ट ऑप्शन है ह य व र। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाए सॉरी सेकंड ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क सॉरी क नहीं है च ट त क बाद में है क प तालव्य श मूर्धन स और दन स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कल भी आपने हंत शब्द रूप से एक क्वेश्चन आया था आपसे, हंत धातु रूप से सॉरी, आज भी हंत धातु रूप से एक क्वेश्चन है, हंती रूप कहाँ बनता है, हंती जो शब्द है वो कहाँ पे बन रहा है। ऑप्शन ए प्रथम पुरुष बहुवचन में, ऑप्शन बी प्रथम पुरुष एकवचन में, ऑप्शन सी प्रथम पुरुष एकवचन में, मध्यम पुरुष एकवचन में, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष एकवचन में। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला ऑप्शन है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में, ऑप्शन बी प्रथम पुरुष एकवचन में, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष एकवचन में, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष एकवचन में। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है प्रथम पुरुष एकवचन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ददती रूप बनता है, ददती रूप किससे बनता है, दा धातु से बनता है। इसमें भी आपका सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही पूछा गया है, प्रथम पुरुष एकवचन में, बी प्रथम पुरुष द्विवचन में, सी प्रथम पुरुष बहुवचन में और डी उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे शब्द रूप का शब्द दे दिया जाएगा या आपको कभी कभी ये पूछा जाएगा कि इस वचन या इस पुरुष के अंडर क्या बनेगा। जैसे कभी पूछ सकते हैं कि पाद धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन बताइए या मध्यम पुरुष का बहुवचन बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको बोल दिया जाएगा कि ये बालक शब्द रूप पूरा सप्तमी तक लिखो या ऐसे लिखो। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में वो किसी तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको अनसीन पैसेज भी दिया जा सकता है अपठित गद्यांश, उससे इन जो सेंटेंस या जो स्टोरी दिया रहेगा उसमें अंडरलाइन कर करके शब्द रूप धातु रूप या कारक के भेद का प्रयोग या वाच्य परिवर्तन, कहाँ कौन सा उपसर्ग लगा है, कहाँ स्त्री प्रत्यय लगा है या कहाँ संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, कुछ भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, या क्रिया का कौन सा भेद लगा है, या पर्टिकुलर वर्ड दे करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि समास का कौन सा भेद है। तो आगे की क्लास में हम लोग अनसीन पैसेज जो है अपठित गद्यांश का भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप क्या हो जाएंगे, यूज टू जाएंगे कि अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज को कैसे आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनतिक्रमणियो ही विधि प्रस्तुत सूक्ति स्वप्न वासव दत्तम के किस अंक से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक लाइन दे दिया गया है और बुक का नाम दे दिया गया है कि ये बुक के किस अंक से ली गई है। तो आपको तभी ये सब याद रहेगा जब आप श्लोक या गद्यांश पढ़े हुए हो या बुक के बारे में आपको पता हो। ठीक है, अनतिक्रमणीय ही विधि प्रस्तुत सूक्ति स्वप्न वासो दत्तम के किस अंक से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए चतुर्थ, बी प्रथम, सी द्वितीय और डी तृतीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए चतुर्थ। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बुक से कौन सा लाइन किया गया, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस ग्रंथ में उद्धृत है। ये एक लाइन दे दिया गया, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच वच किस ग्रंथ से उद्धृत है। पहला ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, बी किरातार्जुनियम, सी रघुवंशम या डी शिशुपाल वधम। तो जितने भी कालिदास की रचनाएं हैं उसमें तो कुछ फेमस लाइन होती है वो आपको याद, मतलब आप अगर श्लोक पढ़े हैं तो आपको ध्यान रहता है, लेकिन आपको श्लोक या गद्यांश या पद्यांश याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन ना ही लगाए तो ही बेटर है। अगर आपको याद रहता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस ग्रंथ में उद्धृत है। ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी किरातार्जुनियम, सी रघुवंशम, डी शिशुपाल वधम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी किरातार्जुनियम।
ठीक है, तो आपको जब टाइम मिले तो किरातार्थ जो नियम का जो अंक दिया हुआ वो पढ़िए, और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो सब ध्यान में रखिए कि इस बुक से या स्वप्न वासव दत्तम से ये जो बुक्स जो सिलेबस में आपका मेंशन है वो आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, या जो आपके राइटर हैं जो ऑथर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हैं याद करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन कंपलसरी है करना ही करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुट पाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रस सूक्ति उत्तम रामचरितम के किस अंग से ली गई है। आपको एक रस दे दिया गया है कि ये जो सूक्ति है उत्तर, इसमें लिख भी दिया गया है कि ये जो आपका है उत्तम रामचरित से है, उत्तम रामचरित के किस अंग से ली गई है, तो आपका वो सूक्ति क्या है, पुट पाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रस से, ये करुण रस का प्रयोग यहाँ हुआ है इस सूक्ति में, ये उत्तर रामचरित के किस अंग से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन से अंग से ली गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी द्वितीय। अब आपको उत्तर रामचरित में ज़्यादातर करुण रस ही है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लाइन में कौन सा रस छंद अलंकार का प्रयोग हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको रस छंद अलंकार का प्रयोग पढ़ने से समझ में आ जाता है, लाइन पढ़ने से या वाक्य पूरा पढ़ेंगे आप पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति स्नेह पाप शंकी ससंबंध ग्रंथ। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि अति स्नेह पाप शंकी ये जो लाइन है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। पहला है ए कुमार संभवम, बी मृच्छकटिकम, श्री अभिज्ञान शकुंतलम और डी रत्नावली। तो इसमें जितने भी राइटर्स हैं ऑथर्स हैं उनको आप ध्यान रखिए कि ये लाइन किनका हो सकता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मालविका अग्निमित्रम से संबंध। मालविका अग्निमित्रम बुक है, उसमें आपसे पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है पुराणामित्यो न साधु सर्वम, ऑप्शन बी मृदु ही परिभूयते, ऑप्शन सी रसो व रस, ऑप्शन डी न कल्पम इच्छते स्नेह। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए पुराणामित्यो न साधु सर्वम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदनीय गुरव सुक्ति से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। ध्यान लाइन पे आप ध्यान दीजिए, क्या लाइन है, वंदनीय गुरव सुक्ति संबंधित ग्रंथ कौन सा है। ए मेघदूतम, बी रघुवंशम, सी वेणी संहारम और डी कादंबरी। फिर से देख लीजिए, वंदनीय गुरुव सूक्ति, ए मेघदूतम, बी रघुवंशम, सी वेणी संघारम और डी कादंबरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वेणी संघारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उक्ति से दिया हुआ है, शरीर मादम खलु धर्म साधनम सूक्ति से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। ए शिशुपाल वधम, बी हर्ष चरितम, डी नैषेध चरितम और सी नैषेध चरितम, डी कुमार संभवम। शरीरमाद अदम खलु धर्म साधनम, ये लाइन लिया गया, ये जो सूक्ति है ये लिया गया है कुमार संभवम से। कुमार संभवम किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुमार संभवम या मेघदूत किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सच्चरित्रिणी दीप सिखे रात्रो सुक्ति रघुवंशम के किस कथा प्रसंग से ली गई है। अब आपको वो कथा प्रसंग दे दिया गया, ये बताना है कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है। कौन सा लाइन है, सच्चरित्रिणी दीप सिखे रात्रो सुक्ति रघुवंशम के किस कथा प्रसंग से ली गई है। पहला लाइन, पहला है ऑप्शन ए विश्व जियत्यज्ञम, सी सीता विसर्जयनम, बी सीता वर्षर्जनियम, सी इंदुमती स्वयंवरम और डी दिलीप गसेवाम। फिर से आप एक बार ऑप्शन देखिए, विश्व वजी यज्ञम, बी सीता विसर्जनियम, सी इंदुमती स्वयंवरम और डी जो है आपका दिलीप
गसेवाम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया है, इंदुमति स्वयंवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कालो न यातो वमेव याता संबंधित कवि निम्नलिखित में से कौन से है। अब इसमें कवि के बारे में पूछा गया है कि ये किस कवि द्वारा कहा गया है या यह लाइन किस कवि से संबंधित है। कालो न यातो वमेव याता, ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है ए भास, बी वाल्मीकि, सी भर्तृहरि और डी पाणिनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भाष, बी वाल्मीकि, सी भर्तृहरि और डी पाणिनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं सर्व सर्वम जानाति सूक्त से संबंधित नाटक कौन है। आपका सूक्ति क्या दिया हुआ है, नहीं सर्व सर्वम जानाति सूक्ति से संबंधित नाटककार कौन है। ए विशाखदत्त, बी भाष, सी कालिदास और डी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि वो संस्कृत के तो राइटर थे नहीं। तो अब आपको इन तीन में डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा होगा, ए विशाखदत्त, बी भाष या सी कालिदास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी विशाखदत्त। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठिना खलु स्त्रियम सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। क्या लाइन है आपका, कठिना खलु स्त्रिय सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन ए कुमार संभवम, बी हर्षचरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी उत्तर रामचरितम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ए कुमार संभवम, बी हर्षचरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी उत्तर रामचरित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कुमार संभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक से संबंधित सूक्ति, शाकुंतला जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इस नाटक से संबंधित सूक्ति क्या है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कालो ही दुरतिक्रम, बी त्वमसि, सी उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, डी काचा लोकानुवृत्ति। ठीक है, तो ये आपका दे दिया गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से, लेकिन आपको सूक्ति बताना है कौन सा है। तो इसके लिए आपको लिटरेचर में जो भी कहानी जितना भी दिया हो गया है वो आपको याद, मतलब स्टोरी से पढ़ा हुआ थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं तो ये सब क्वेश्चन टफ हो जाएगा और कभी कभी कन्फ्यूज़न में गलत भी हो सकता है। तो आपको फिर से ध्यान देना है, पहला ऑप्शन क्या है, कालो ही दुर्तिक्रम, बी तोमसी, सी उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, डी काचा लोकानिवृत्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। ठीक है, इसमें आज ज़्यादातर लिटरेचर से ही क्वेश्चन है, गद्य पाठ से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किराता अर्जुनियम से संबंधित सूक्ति, किराता अर्जुनियम से कौन सा सूक्ति संबंधित है। न्यायम उपक्षते ही क, ऑप्शन बी पतानांता समुच्छाया, ऑप्शन सी न्यायध्यारा ही साधव, डी इनमें से कोई नहीं। चलो ये ऑप्शन दे दिया गया है कि डी इनमें से कोई नहीं है। तो किराता अर्जुनियम से संबंधित सूत्र क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी करेक्ट आंसर लगाना बहुत टफ है आपको। अब इसमें से ध्यान रखिए एक एक लाइन की, कौन सा सूक्ति कहाँ पे है या कौन सा श्लोक कहाँ पे यूज़ किया गया, तभी तो आप करेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस चैप्टर से या किस मेघदूत से है या अभिज्ञान शकुंतलम से है, किराता अर्जुनियम से या शिशुपाल वध से, ये पूरा बुक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुक को भी पूरा थॉरो पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन था सी न्यायधारा ही साधव। नेक्स्ट है आपका, सहासे श्री प्रतिवसति यह सूक्ति मृच्छकटिकम के किस ग्रंथ से ली गई है। अब इसमें आपको ग्रंथ का नाम दे दिया गया है, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। चार ऑप्शन दे दिए गए आपको, सहस्य ही प्रतिवसति यह सूक्ति मृच्छकटिकम के किस ग्रंथ से ली गई है। आपको पूछा गया है कि इसको मृच्छकटिकम के किस ग्रंथ से ली गई, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
अर्थो ही कन्या परिकीय एव से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ए उत्तर रामचरितम, बी मृच्छकटिकम, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी शिशुपाल वधम। आप सूक्ति ध्यान दीजिए, कौन सा अर्थो ही कन्या परिकीय एव संबंधित ग्रंथ कौन सा है? उत्तर रामचरितम, बी मृच्छकटिकम, श्री अभिज्ञान शकुंतलम, डी शिशुपाल वधम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते सूक्ति संबंधित रचना कौन सी है? इसमें भी आपसे पूछा गया है कि यह सूक्ति किससे लिया गया है। ए वेणी संहारम, बी कुमार संभवम, सी नैषेध चरितम, डी किराता अर्जुनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कुमार संभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सर्व सर्वात समीहते सूक्ति से संबंधित ग्रंथ कौन सा? ये शायद रिपीटेड है, एक बार और भी ये मैंने बोला, अभी देख लीजिए रिपीटेड है कोई बात नहीं है। ए रघुवंशम, बी शशुपाल वधम, सी मेघदूतम, डी विक्रम उर्वशीयम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका बी शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यों और महाकाव्यों में वर्णित सार गर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं? जब काव्य और महाकाव्य में जो सार गर्भित पैसेज या ये डिटेल में जो दिया रहता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका ए अलंकार, बी श्लोक, सी सूक्ति और डी छंद। तो अलंकार श्लोक, तो आप अलंकार का पता है, अलंकार आप कैसे पहचानते हैं, या छंद है या रस है, ये कैसे पहचानेंगे। काव्य और महाकाव्य में वर्णित सार गर्भित, कोई चीज़ जब डिटेल में बताया गया, सार गर्भित मतलब कि उसको बहुत सा बड़ा सा पैसेज है उसको शॉर्ट करके आप बता रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी सूक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आजर्व ही कुटलेशु न नीति किस ग्रंथ से संबंधित है? ए रत्नावली, बी ऋतु संहार, सी नैषेध चरितम, बी डी प्रतिमान नाटकम। फिर से आप सुन लीजिए, ए रत्नावली, बी ऋतु संहार, सी नैषेध चरितम, डी प्रतिमान काटकम, सी नैषेधीय चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वभाव दुरति क्रम किस ग्रंथ से संबंधित है? ए वाल्मीकि रामायण, बी ईशावास्योपनिषद, सी अथर्ववेद, डी कठोपनिषद। इसमें आपको दे दिया गया है लाइन, स्वभाव दुरतिक्रम किससे संबंधित है? वाल्मीकि रामायण से, बी ईशाई उपनिषद से, डी अथर्ववेद से, या कठोपनिषद से। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण का तो सबको पता है कहाँ से है। नेक्स्ट आपका श्लोक से पूछा गया है, चलो ये श्लोक तो सबको पता होगा, बचपन से 3-4 क्लास से आप अगर संस्कृत रखे हैं तो आप ये श्लोक तब से पढ़ते आ रहे हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं विद्धो पसे विना चत्वारि संप्रवधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये ग्रंथ संबंधित है, ये आपने पढ़ा है कि अभिवादनशील के क्या चीज़ होते हैं, चार चीज़ हमेशा बढ़ते रहते हैं, आयुर्विद्या यश और बल। तो ये ग्रंथ किस, ये जो श्लोक है ये किससे संबंधित है? ए रामायण से, बी महाभारत से, सी मुंडकोपनिषद से, या डी तैत्रेयी उपनिषद से। तो ये किससे है? महाभारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा गुरु नाम विचारणीय से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ए शिशुपाल वध, बी रघुवंशम, सी मृच्छकटिकम और डी चारुदत्तम। तो इसका करेक्ट आंसर है रघुवंशम, दैट इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय त्व जानाति प्रतियोग परस्पर उक्ति उत्तर रामचरित से ली गई है। अब इसमें आपको लाइन दे दिया गया है, सूक्ति दे दिया गया है कि उत्तर रामचरित से लिया गया है, लेकिन यह बोला किसने है, जिसके वक्ता हैं? तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, हृदय त्वमेव जानाति प्रतियोग परस्परम युक्ति उत्तर रामचरित से ली गई है, जिसके वक्ता कौन है? ए राम, बी लक्ष्मण, सी कुश और डी भरत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नाशेद्य चरितम
में यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। इसमें भी आपको वाक्य दे दिया गया और पूछा गया है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। मदेक पुत्रा जननी जरा तुरा नैषेध्य चरियतम में यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। ए नल, बी हंस, सी कौआ और डी तोता। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सर्व परवशम दुखम। सर्व परवशम दुखम इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सर्व परवशम दुखम, जो भी परवश में रहता है उसमें दुख होता है, ठीक है। सर्व परवशम दुखम ये संबंधित ग्रंथ किससे है। जब तक आपका खुद का फ्रीडम नहीं रहेगा, खुद का इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। तो ऐसे लाइन किस बुक में बताए जाते हैं, ए वेणी संहारम, बी कपूर मंजरी, सी मनुस्मृति या डी मालविका अग्निमित्रम। तो जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड जो लाइन है वो ज़्यादातर मनुस्मृति से कहा गया है। तो ऐसे लाइन आप तुरंत गेस कर सकते हैं कि कहाँ से उद्ध है। बात यह कि क्वेश्चन में इस टाइप का लाइन देना भी चाहिए ना कि आप तुरंत बताएं, लेकिन आपसे कोई श्लोक का या किसी के द्वारा कहा गया इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बताओगे। मनुस्मृति या नीति शतकम से ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं आपने सुना ही है, या आपने अपने स्कूल में सुना होगा, या जो आप प्रार्थना करते हैं उसमें सुने होंगे, या कोई पूजा पाठ में जो चालीसा हनुमान चालीसा या कहीं पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ लाइन डायरेक्ट वहाँ से ही पूछा जा सकता है कि उसमें कौन सा छंद है, अलंकार है, या आपने सुंदरकांड पढ़ा है या उत्तर रामचरित पढ़ा, तो आप उससे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं या भागवत गीता पढ़ा ही नहीं, तो आप वो चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ से लिया गया है। तो आप जितना हुई है संस्कृत का जो भी आपका लिटरेचर पोर्शन है, जो आपका कहानी या संस्कृत भाषा का उद्भव विकास, किस तरीके से वैदिक भाषा, लौकिक भाषा, किसमें क्या परिवर्तन हुए, या संस्कृत जो आदि मतलब देव भाषा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते होते वो हिंदी में कैसे आया, या पाली प्राकृत में कैसे आया, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचारा परमो धर्म सूक्ति कृत किस ग्रंथ से ली गई है। आचारा परमो धर्म, पहला ऑप्शन है ए मेघदूतम, बी कुमार संभवम, सी रत्नावली और डी मनुस्मृति। तो आचारो परमो धर्म ये भी आप जगह जगह लिखा हुआ, किसी भी आप वो स्कूल सब में देखेंगे, वो जो असेंबली होता है ये सब में ये लाइन लिखा रहता है, या ज्योतिर्मातम शोकमय, ये सब कॉमन चीज़ है, तो ये आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या जैसे आपसे पूछा जा सकता है सर्वे भवन्ति सुखिना, या फिर गायत्री मंत्र है ओम भो भुवस्वर, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सब ईजी है, ये सब आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण से संबंधित, इसमें आपको पूछा गया है कि वाल्मीकि रामायण से संबंधित कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सर्वधर्मे प्रतिपदस्व, बी सर्वत्र जर्वम शोभते, सी सर्व सर्वार्थ समीहते, डी रसो व रसा। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सर्वधर्मे प्रतिपदस्व। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अहिंसा परमो धर्म, ये भी लाइन आप बहुत जगह देखें कि आप इस लाइन आपको मिल जाता है, अहिंसा परमो धर्म। तो ये किस, ये जो उक्ति है या सूक्ति है ये कहाँ से संबंधित है, कौन किस ग्रंथ से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रतिमान नाटकम, बी उत्तम रामचरितम, सी वाल्मीकि रामायण और डी महाभारत। तो इसका करेक्ट आंसर है डी महाभारत। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट दे दिए गए हैं आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। झारखंड करंट अफेयर का करंट सेक्शन चल रहा है, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी आपके झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें करंट झारखंड करंट से 10 से 5 क्वेश्चन तो उससे आ ही जाएंगे। तो आप वीडियो को रेगुलर देखिए, प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कीजिए, और जिसका भी संस्कृत लैंग्वेज है वो एक बार वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।